बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको हलीम बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहे हैं। इजी भी है और ज़बरदस्त भी बनती है। एक पतीली में पानी, जौ और गंदम डालकर उबाल आने दें। हल्की आंच पर 30 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें बेकिंग सोडा डालें और ढक्कन ढककर 1 घंटे के लिए पकाएं। थोड़ा ठंडा होने पर इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। उसके बाद एक और पतीली में तेल, अदरक, लहसुन का पेस्ट और बोनलेस डालकर उसको चिकन डालकर रंगत तब्दील होने तक पकाएं। फिर इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, नमक और दही शामिल कर लें। दोस्तों ये ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनती है। आप एक बार लाजमी ट्राई करना और चिकन गलने तक इसको पकाते रहें दही डालकर। जो नए दोस्त हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें। इसके बाद इसमें फ्राई प्याज डालकर अच्छे तरह मिक्स करें। इसके बाद चिकन के रेशे करके साइड पर रख लें। फिर इसमें ब्लेंड किया हुआ जौ और गंदम और चिकन क्यूब्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें नमक और उबला हुआ पानी डालकर दोबारा इसे ब्लेंड करें। इसके बाद इसमें गर्म मसाला पाउडर, जायफल और जौत्री पाउडर और चाट मसाला शामिल कर दें। एक फ्राई पैन में तेल और प्याज डालकर सुनहरे होने तक फ्राई करें और इसको हलीम में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्राई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, चाट मसाला और लीमू के साथ गार्निश करके मज़ीद चिकन हलीम पेश कर दें। ज़बरदस्त किस्म की ये हलीम तैयार होती है। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह।